कि हमारे पास सवाल आया था कि क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो इस सूरत में आप एक बात याद रखें कि कुर्बानी चूंकि एक इबादत है, हम जो कुर्बानी करते हैं 10 ज़िलहिज्जा के दिन जो कुर्बानी की जाती है, तो 10, 11, 12 ये जो 3 दिनों के अंदर कुर्बानी का मामला है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इबादत है। तो ये इबादत वाला जो मामला है, बेहतर यही है कि आप गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त जो है वो ना दें। और कुर्बानी चूंकि इबादत है, तो इबादत की वजह से आप उसको ये गोश्त दे रहे हैं कि जो उस रब्बुल आलमीन को मानता तक नहीं है। तो इस लिहाज से अगर आप इज्तिनाब कर सकें तो इस चीज से आपको बचना चाहिए, गैर मुस्लिम को गोश्त वगैरह देने से परहेज करनी चाहिए और इस तरह के मामलों से इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।